आखिरकार हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप डी के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेज दिया है। इनमें से 13,104 पद सरकारी विभागों के कॉमन कैडर के हैं, जबकि 553 पद बोर्डों और निगमों के हैं। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग इन पदों को जल्द विज्ञापित करेगा, साथ में उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल भी जारी करेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी का सीटी आयोजित करने से पहले आयोग ने ये जानकारी दी थी कि ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती होगी। अब चूंकि सीटी हो चुका है और प्रदेश सरकार ने आग्रह पत्र 26 दिसंबर 2023 को भेज दिया है, इसलिए अब इन पदों को विज्ञापित करना जरूरी है। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हालांकि सरकार ने ग्रुप डी पदों पर पहले से चयनित उम्मीदवारों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है, प्रदेश सरकार जब ये प्रक्रिया पूरी कर लेगी तो ग्रुप डी के कुछ और पदों की संख्या प्रदेश सरकार आयोग को भेज सकती है। इस तरह ग्रुप डी के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि कॉमन कैडर के पदों का रिजल्ट निकलने के बाद विभागों की अलॉटमेंट तो मुख्य सचिव कार्यालय करेगा, जबकि बोर्डों निगमों के लिए आयोग ही चयनित सूची जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के उम्मीदवारों से पोर्टल पर पूछा जाएगा कि क्या वे ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं। अगर कोई इसमें ना करेगा तो उसका ग्रुप डी पद पर चयन नहीं होगा। अगर कोई हाँ करेगा तो पोर्टल पर पूछा जाएगा कि ग्रुप डी के किन पदों पर आप चयन नहीं चाहते हैं और किन पदों पर चयन चाहते हैं, यानी नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब होगा कि अगर आप चयन जोन में हैं मगर आपने नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक कर दिया है और जिन पदों पर चयन चाहते हैं उनमें आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपका चयन नहीं होगा। अगर आप कोई विकल्प ही नहीं भरते, यानी अगर ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं विकल्प भरते हैं तो आपका चयन हो जाएगा अगर आप मेरिट पर आते हैं, मगर ये चयन किसी भी पद के लिए हो सकता है। अगर कोई उम्मीदवार ग्रुप डी पोस्ट के विकल्प में भर देता है कि उसे ये नौकरी ही नहीं चाहिए और ग्रुप सी में उसका चयन नहीं होता है तो इस तरह उसकी ग्रुप डी की नौकरी भी चली जाएगी और ऐसी स्थिति में उसका सरकारी नौकरी पर से अधिकार खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूंकि सीईटी स्कोर 3 साल के लिए है और अगर ग्रुप डी के पद रिक्त रह जाते हैं और वेटिंग से उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा तो फिर विकल्प पूछा जाएगा कि क्या वे इस नौकरी के लिए इच्छुक हैं। इस तरह उसका अधिकार बना रहेगा मगर आगे के पदों के लिए। वहीं जब आयोग के अध्यक्ष से पूछा गया कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा तो अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो ये विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी।